जय हिंद एवरीवन, सभी को जय हिंद, वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड और आने वाली भर्तियों की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे बात करें दोस्तों एक और नोटिफिकेशन जो कि आउट किया गया है इंडियन एयरफोर्स बैरकपुर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ गाइज, इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप सभी इस भर्ती में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। देखिए गाइज, बार बार स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि इसका जो लिंक आप देते हो वो कहाँ पर लेके जाता है। भाई या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप लोग इसका नोटिफिकेशन है जो कि डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे लिंक देते हैं उस लिंक पर जाके आपको डिटेल दिखा देता है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की पोस्ट बैरकपुर से वैकेंसी निकल के है दोस्तों रिक्रूटमेंट 2024 की। जो पद निकल के हैं ड्राइवर, चपरासी, स्टोर कीपर, सफाई वाला, कलर्क, कुक, चौकीदार और MTS के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 8वीं पास पूरे भारत के लिए ऑफलाइन भर्ती निकल के आई है दोस्तों। इस भर्ती में कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कुछ पोस्टें यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस पे और कुछ पोस्टें यहाँ पे रेगुलर बेस पे वैकेंसीज निकल के आई है। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी अपडेट आती रहती है हमारे चैनल के ऊपर। हर रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड होती रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, वीडियो के नीचे थोड़ा सा चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए गाइस, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो साफ साफ दिया गया है एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर से वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर जो कि कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे MTS कलर्क व अनदर पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, टोटल यहाँ पे पोस्टों की बात करेंगे 14 वैकेंसी निकल गए। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन ट्रांसफर भी हो सकता है। वैसे 90% आपकी कहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है, बैरकपुर में ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया जाएगा सैलरी कितना मिलने वाला है और ऑफलाइन तरीके से इसका फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे भी जाके आप सभी इसके डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिए, AK डिफेंस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सरकारी नौकरी की जानकारी आती रहती है हमारे चैनल के ऊपर हर रोज़। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में देख सकते हो दोस्तों। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हो 17 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, ना जनरल की, ना OBC, ना SC ST किसी की भी कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली। ठीक है गाइज, ओके, कोई फ़ीस नहीं देना है। और एज लिमिट देख सकते हो यहाँ पर, आपकी एज लिमिट क्या दी गई है यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमम आपकी एज 21 साल से लेके 50 साल तक रखी गई है। सॉरी गाइज, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 18 से लेके 50 साल तक कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अलग अलग पोस्टों के अलग अलग जानकारी दी गई है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे देख सकते हो, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट है जो कि यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल तक स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास या फिर 5वीं पास या फिर 8वीं पास, और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी एज चली गई है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी लाइफ है वो सेटल हो सकती है। ठीक है गाइज, और एक बात और बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं, आर्मी में जो आना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, कॉन्टैक्ट बेस पे मेरे पास वैकेंसीज है जो कि आती रहती है अलग अलग सेंटर से। तो आप सभी मेरा व्हाट्सअप ग्रुप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है, मैसेज करके पूछते रहिएगा, 1 से 2 महीने के अंदर मैं आपको कॉन्टैक्ट बेस वाली वैकेंसी में भी एडजस्ट करवा सकता हूँ। ठीक है गाइज, ये नंबर है वो सेव कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ सुविधा के आधार पे है। ओके, और इनकी जो पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 3 पोस्ट इसके अंदर है रेगुलर के अंदर, 3 पोस्ट इसके अंदर है सुविधा के अंदर। ठीक है, उसके बाद लैब अटेंडेंट रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, इसमें देख सकते हो 12th पास 12वीं पास स्टूडेंट है विज्ञान से, वो अप्लाई कर सकता है, रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद सुविधा आधार पे है लैब अटेंडेंट की जो कि 12वीं पास स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कलर्क की रेगुलर पोस्ट है दोस्तों, स्नातक BA पास, और लेखाकार रेगुलर पोस्ट है, BCOM वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका जो कॉल लेटर है, आप सभी का जो कॉल लेटर है वो भेजा जाएगा
यानी कि एग्जाम के लिए कॉल लेटर वो भेजा जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा वो आपका एडमिट कार्ड वो भेजा जाएगा, फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। 10 बर्थडे सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, डिस्चार्ज बुक या और अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आप PH सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आपको भर के भेजना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो दोस्तों रजिस्ट्री पोस्ट या बाय पोस्ट तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है और इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भर के भेज देना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भर के भेजना है, इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखना। और 10 रुपये की टिकट लगने वाली है, वो भी आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे मैं उसका फॉर्म है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 17 जनवरी इस भर्ती की लास्ट डेट दी गई है। अगर इसको ऐप का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह से भी खरीद सकते हो, ठीक है गाइज। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और ये जो पोस्टें हैं, कुछ पोस्टें लाइफ टाइम है यानी कि 60 साल तक की वैकेंसी है, और कुछ पोस्टें यहाँ पे संविदा आधार पे यानी कि 2 से 3 साल के लिए है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जाके फॉर्म भरिएगा और इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेज देना है। अगर आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, AK डिफेंस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइज़।